नहीं निकल रही नहीं निकल रही कह रहे मेरे का देसी घ्यो पिया है घर का कड़िया है तो मैं क्या चांपा नहीं पिया इधर गोश भी पिया है उस गेट टू गैदरिंग हो जी क्या आपस से की हो गया गेट टू गैदरिंग कर रही थी कि चल रही है और चिपली को बाप खाने और 5000 इसका 10000 उसका बाकी रिमेनिंग हमारा और चले कब जाना है पहले इससे पूछ लेना मैं अपना नहीं लेना चाहता किससे पूछ यार मतलब इसने वो पैसे भी नहीं करवा रहा है इधर ऐड भी नहीं कर रहा तो भाई किधर जाए हम चार गा के नीचे निकले भाई आप 5000 डाल ले नीचे चलाने लगाए क्या नहीं 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 कितने काट ले 5000 10000 तू बोल रहा है ना नहीं 10000 बोल रहा है तू गाल ने गोल बोल की अच्छा कटो वीडियो वीडियो कटो उस टाइम मैंने पॉज की हुई थी चलो 5000 कह रहा ना 5000 मान गया बस ठीक है ये हालात देख सकते हैं और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि मैं किस तरह से खान बाबा पे पहुंच जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है खान बाबा के ऊपर। हम लोग खान बाबा के ऊपर जो है आज डिनर करने के लिए आए हैं और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने सुना था और आज हमने कहा कि इसको टेस्ट करके देखते हैं और आपको भी इसके बारे में रिव्यूज़ देते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। साढ़े 8 हो गए हैं और बाकी की जो टीम है वो भी रास्ते में क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैंने भी आपको बाइक का भी व्यू दिखाया है तो अभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं और भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है यार। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसके अंदर की पार्किंग है और काफ़ी बड़ी पार्किंग है तो ईज़िली आप अगर बाइक पर आते हैं तो बाइक भी आप यहाँ पर अपनी जो है वो पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं और गाड़ियों के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ शाहिद साहब से। हाँ जी शाहिद साहब, कुछ मेन्यू का समझ आया या नहीं आपको? देख रहे हैं भाई, ये जनाब इनका मेन्यू है, उसके अंदर आपको जो है रवायती पकवान मिल जाएगी, उसके बाद आपको कढ़ाई की बेशुमार यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगी और यहाँ पे हम देख लेते हैं बारबेक्यू है और उसके बाद स्टीम आइटम्स हैं, फिर उसके बाद तंदूर के अंदर आपको मटन नान चिकन नान जो भी मटन नान आपको मैंने दिखाया इनका है 1200 का और बहुत ही मज़ेदार है। मैंने मटन नान इनका टेस्ट किया हुआ है और इससे पहले मैंने इनकी देसी कढ़ाई खाई थी, देसी चिकन की कढ़ाई। तो आज हम लोग जो है इनकी या तो चांपे टेस्ट करेंगे या फिर हम लोग दुम्बा कढ़ाई टेस्ट करेंगे और उसके रिव्यूज़ देंगे आपको। हमें तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा हो गया है इन लोगों का वेट करते हुए और फाइनली ये आप चेक कर सकते हैं, ये भाईजान बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। एक ये अली भाई, इन्होंने तो पैसे देने हैं ना, इनको तो मैं स्पेशल फोकस करूँगा, इन्होंने तो पैसे देने हैं। ये जनाब इनका दूसरा वाला हॉल है और अभी हम लोग यहाँ पे ही बैठ के डिनर करेंगे। जनाब ये अली भाई कहते हैं कि सब चीज़ें मेरे आगे रख दो। जनाब इनके मटन की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं और बाकी भी खा के बताते हैं कैसा। हाँ जी, तो जान से भी क्या रिव्यू देंगे आप इस कढ़ाई के बारे में?
जी भी आपके रिव्यूज किए हैं भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्क था, बहुत अच्छा अल्लाह तला ने हमें खाना खाने के लिए अलहमदुलिल्लाह। मुतासरीन से वो तो अभी बिल्कुल ही सदमे में गए हुए हैं ना, एंड था। हाँ जी आप बताएं आप मैं अली मलिका शुक्रिया अदा करता हूँ रोली भाई कैंसर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सबके साथ मिल के ताबू किया, हम जैसे भाइयों को खाना खिलाया। और अगर अली को इजाज़त जी मैं आपसे कहना चाहूँ, पहली बात तो जो अंडा खाना की जात है एक इंसान एक सीना बनता है, अगर अली भाई मुझे इजाज़त दें तो मैं जर्दा या वो मान गुड़ वाले चावल नहीं। यार वो गुड़ वाले चावल लास्ट टाइम खाए थे, बड़ा मज़ा आया था। जी अली भाई क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी उसामा गुड़ वाले चावल आने चाहिए, मस्कीनों के चेहरे देखें, ये देख देख सकते हैं अली थोड़ा ऐसा मुंह, थोड़ा ऐसा उस्मान जरा इधर देखें जी, ये आप देख सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मजे का था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे, इंशाल्लाह इसी तरह न्यू ब्लॉग के अंदर आपको मिलता रहूँगा, न्यू अपडेट्स आपको देंगे।